हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अमूल्य। आई एम योर ऑनलाइन कंपेनियन। टुडे वी विल रीड अबाउट चैप्टर फर्स्ट ऑफ फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम ऑफ साइंस क्लास सिक्स पार्ट टू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। सो प्लांट कुड बी पॉइजनस। आपको वह प्लांट को नहीं खाना चाहिए जो कि आप नहीं जानते। आपको वही प्लांट खाना चाहिए जो कि आप जानते हैं। आप ये जो कि आप ये जानते हैं कि पॉइजनस है या नहीं, तभी खाइए। तो अगले अब हम लोग एक्टिविटी फोर देखते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल नंबर 1.3, जो आपने जो फूड आइटम जो लिस्ट किया था, लिखा था 1.3 टेबल वाले टेबल 1.3 में, चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ऐसे इंग्रेडिएंट्स या सामान को चूज करिए जो कि प्लांट से आते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट, और ये भी लिखिए कि कौन से पार्ट से आते हैं। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। इन सबको आइडेंटिफाई मतलब पता करिए और लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन फिगर 1.4, और उसका लिस्ट बनाइए और उसका प्लांट पार्ट का नाम भी लिखिए 1.4, जैसे 1.4 वाले में लिखा है टेबल। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड और मूंग और चना। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर डे। वो जो ड्राई सीड या मूंग की चना होते हैं, जिन्हें हम लोग चना या फिर कचड़ी कहते हैं, उन्हें आपको लेना है और एक स्मॉल क्वांटिटी मतलब उनके थोड़ी सा लेना है और एक कंटेनर, छोटा सा कंटेनर होना चाहिए जो पानी से भरा होना चाहिए, और उसमें रख देना है। फिर बैलेंस को एक दिन के लिए छोड़ देना है और अगले दिन नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। और अगले दिन ही उस जो पानी आपने रखा था उसको सारा ड्रेन कर देना है और उसको एक दिन और उनको उसको वेसल में छोड़ देना है। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसे रैप कर दीजिए विद ए पीस ऑफ वेट पेपर, गीले कपड़े से, और छोड़ दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज। कुछ दिनों बाद आपने कुछ अलग देखा उसमें, जो आपने फिगर 1.5 में देख रहे हैं कि जो कचड़ी था वो बदल गया, उसमें वाइट स्प्राउट निकल गए। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव बीन ग्रोन आउट ऑफ सीड इफ द सीड हैव स्प्राउटेड। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड, जो आपने जब रखा तो फिर बैलेंस जो चेंज बोल रहा है कि जो चेंज होगा वो है कि उसमें से एक स्प्राउट या फिर वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलेगा जिसका प्लांट से लाइफ शुरू होता है। उसे हम लोग शूट भी कहते हैं। वो उसे खाते हैं तो हम लोगों को बहुत प्रोटीन मिलता है। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन द वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड अनदर डे। अगर वो उसमें स्प्राउट नहीं उगे हैं तो फिर से वही प्रोसेस करिए जो पहले किए थे। कवर्ड विद वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड। फिर मैंने अगले दिन देखिए जो आपके जो नहीं उगे थे, जिसमें से वो स्प्राउट नहीं शूट नहीं आए थे, उसको फिर से आपको वही प्रोसेस करके फिर से देखना कि कोई चेंज आया कि नहीं। अगले दिन आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम। अब इसको वॉश करके, अच्छे से वॉश करके आप उसे खा सकते हैं क्योंकि इससे बहुत प्रोटीन मिलता है हम लोगों को। दे कैन ऑल्सो ईट बाई बॉइल्ड। वो बॉइल्ड करेंगे तभी भी अच्छा लगता है। एंड सम स्पाइसेड एंड गेट ए टेस्ट स्नैक्स टू ईट। फिर बाद में कुछ इसमें स्पाइसेस या मसाला ऐड करके आप इसे मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्नैक्स बना के खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम और हाउ इट प्रोड्यूस। हैव यू एवर सीन ए बी हाइव वेयर सो मेनी बीज की बजिंग। कि आपने कभी हनी खाया है या फिर आपको पता है कि हनी कैसे प्रोड्यूस होता है।
क्या आपने सुना है कि जो बी हाइव में जो बी जो उनका वो भिन भिनाने वाला आवाज सुनाई दिया है आपको कहीं? बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन हाइव। वो जो जो आप हनी खाते हैं, वो जो स्वीट जूस होता है वो फ्लावर के नेक्टर होते हैं, जो हनी बीज जमा करते हैं और उसे अपने बी हाइव में स्टोर करते हैं। फ्लावर एंड दिस नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। जो फ्लावर ऑफ देयर नेक्टर मतलब उसके स्वीट जूस होते हैं फ्लावर के, उसका इस्तेमाल करके वो जो बी हाइव्स होते हैं वो अपना पेट भरते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू ईयर। सो इसीलिए वो पहले गर्मी में सारे फ्लावर का नेक्टर लेके उसका हनी बना देते हैं, फिर बाद में पूरे साल चलाते हैं। व्हेन वी फाइंड सच ए बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बी एस हनी। जब भी आप लोग बी हाइव देखते हैं तो किसी किसी ने यही किया होगा कि बी हाइव को तोड़ के फिर उसमें से मधुमक्खी को भगा के फिर बाद में उसको हम लोगों को बी हाइव का हनी तोड़ के नहीं खाना चाहिए। जो प्रोफेशन उनका जो लोग हनी को बनाते हैं या फिर बी हाइव से हनी निकालते हैं, वो लोग कुछ कपड़े या फिर उस नेक्टर को करने के लिए अपेरे में उन सबको रखते हैं। इसलिए आपको कभी ना बी हाइव को छत्ते को हार्म करना चाहिए ना तो मधुमक्खी को, क्योंकि मधुमक्खी भी एक जीव ही है। सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू एनिमल ईट? डू यू हैव कैटल और पेट्स यू डैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास कोई कैटल या फिर कोई डॉगी या फिर कैट है? क्या ए डॉग कैट बफेलो और ए डॉग, या फिर आपके पास डॉग है या फिर कैट बफेलो या फिर बकरी है? यू विल श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। आपने तो ये अगर आप पेट पालते तो आप तो ये जानते ही होंगे जो आप पेट पालते उसको खाने में क्या देना है। द एनिमल ईट, और जो खाना वो एनिमल आपके पेट्स खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल? वो जो एनिमल जो स्ट्रीट में रहते हैं उन सब की क्या कुछ और, वो सब कोई और कुछ और खाना खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट स्क्वायरल? क्या आपने कभी स्क्वायरल को कभी देखा है? पिजन या फिर लिजार्ड क्या और स्मॉल इंसेक्ट में भी ईटिंग एज देयर फूड? क्या आपने कभी स्क्वायरल पिजन लिजार्ड या फिर छोटे छोटे कीड़े को देखा है खाते हुए या फिर कोई जो खाना खाते हैं? जैसे कि स्क्वायरल नट्स फ्रूट्स खाती है, पिजन दाना या फिर वीट्स खाती हैं, राइस खाती हैं, और लिजार्ड खाती हैं स्मॉल इंसेक्ट एंड स्मॉल इंसेक्ट भी खाते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स, और या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे। टेबल 1.5 एनिमल एंड देयर फूड। सो रीड, सो आई एम गोइंग टू रीड द टेबल 1.5। नेम ऑफ द एनिमल बफेलो। फूड द एनिमल ईट ग्रास, ऑयल केक, हे ग्रेन्स। कैट स्मॉल एनिमल लाइक बर्ड्स, रैट्स एंड अदर, एंड ही ड्रिंक्स मिल्क ऑल्सो। रैट नट्स फ्रूट प्लांट एंड सीड। लॉयन रॉ मीट, टाइगर ऑल्सो रॉ मीट। स्पाइडर इंसेक्ट्स, हाउस लिजार्ड स्मॉल इंसेक्ट्स, काउ हे ग्रास। Human beings, animal and plant product. Human beings are omnivorous animal. Butterfly, nectar of plant. Crow, dead animal. Crow, dead animal grains. They are also omnivorous. It is also given. Fill in the blanks in the table. चलिए अब हम लोग कुछ फन फैक्ट्स जानते हैं। जैसे कि जो ऐसे कुछ एनिमल होते हैं जो डीके डिड और
डेड ऑर्गेनिक मतलब मरे हुई चीज को खाते हैं, जैसे बैक्टीरिया या फंगी हो जाती है, उन्हें डिकम्पोजर कहते हैं। वो हम लोगों को हम लोगों की बहुत मदद करते हैं वो लोग। और हम एक और फन फैक्ट बताते हैं, देयर आर दुनिया में ऐसे कुछ एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, राउंड वर्म, टेप वर्म, लीचेस। मॉस्किटो हम लोगों का खून खाता है, लीचेस हम लोगों का खून पीता है, जो राउंड वर्म होते हैं हम लोगों को पेट में जाके स्किन खाते हैं या फिर म्यूकस खाते हैं, उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। चलिए तो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल इंटर्ड हियर आज फॉलो। एक बार फिर से टेबल 1.5 पे गौर करिए, और जो ग्रुप ऑफ द एनिमल इंटर्ड हियर एज फॉलो, और जो आपने एनिमल्स में लिखा है उससे फिर से पढ़िए। प्लेस द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप वन। उसमें से कुछ ऐसे एनिमल को एक जगह रखिए जो कि बस घास खाते हैं, जैसे कि बफेलो हो जाएगा और काऊ, बटरफ्लाई। दे आर सम दिस आर कॉल्ड हर्बीवोरस, उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। जो हर्बीवोरस होते हैं वो बस ग्रास, हे एंड द थिंग्स मेड अप ऑफ प्लांट्स एंड नॉट एनिमल्स, उन्हें हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। दे आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल, यहाँ कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो अदर एनिमल को भी खाते हैं, जैसे प्लेस देम इन टू ग्रुप टू, जैसे कि हो जाएंगे लायन, टाइगर एंड अदर्स, उन्हें हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल होते हैं जो बस रॉ मीट खाते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल विच इट बोथ प्लांट एंड एनिमल, क्या आपने पाया है कि कोई अदर या फिर प्लांट या एनिमल खाता है, जैसे कि यहाँ हो जाएगा रैट हो जाएगा, कैट हो जाएगा, स्पाइडर हो जाएगा, अरे नहीं स्पाइडर नहीं होगा, ह्यूमन बींग्स हो जाएंगे, क्रो हो जाएगा एंड और भी, और बियर भी हो जाएगा। प्रिपेयर ए टेबल एज गिवन इन टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन थ्री कॉलम्स एज शोन। चलिए तो हम लोग देखते हैं, हर्बीवोरस में आ जाएंगे काऊ, हॉर्स, हनी बी, बटरफ्लाई एंड डंकी। कार्निवोरस में आ जाएंगे लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, चीता, ब्लैक पैंथर। ओमनिवोरस में आ जाएंगे डॉग, क्रो, ह्यूमन, कैट्स, रैट। तो अब हम लोग देखते हैं पहली क्या जानना चाहती है। पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर वर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। पहली पूछ रही है कि हम लोग ने ह्यूमन बींग्स को क्यों उसमें प्लेस किया, मतलब ओमनिवोरस के जगह में क्यों उन्हें रखा है, क्योंकि हम लोग ओमनिवोरस ही हैं, क्योंकि हम लोग मींगट्स वेजिटेरियन भी हैं, नॉन वेजिटेरियन, और प्योर वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन प्योर नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, इसलिए पहली कुछ को वो कन्फ्यूज़न हो गया था। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस, हम लोग यही जानते हैं कि हम लोगों के ह्यूमन बींग में बहुत ढेर सारे लोग ओमनिवोरस हैं, इसलिए पहली कन्फ्यूज हो गई। हु डू नॉट गेट सफिशियंट फूड, वी नीड टू फाइंड वे बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन कंट्री, हम लोग कुछ ऐसा वे चाहिए जिससे कि कोई कंट्री, जैसे कि अभी हम लोगों के 1972 में एक फैमाइन आया था, 1870 में फैमाइन आया था बंगाल में, इंडिया स्टारवेशन के, अरे 1770 में एक फैमाइन आया था या स्टारवेशन आया था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे हम लोगों को क्रॉप्स ग्रो नहीं करने देते थे, बस हम लोगों को कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बोल रहे थे, इसलिए फैमाइन आया और उसमें बहुत लोगों की मौत हो गई। इसलिए इसमें बोलना है कि ऐसे कोई वे चाहिए जिससे कि हम लोगों का पूरे कंट्री में कुछ खाने की कमी ना हो। वी विल नीड टू फाइंड वे टू इंश्योर डैट दिस फूड इज मेड इजली अवेलेबल टू ईट वन अस,
हम लोगों को ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि जो लोग भूखे मर रहे हैं उन लोगों को खाना अच्छे से मिले। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? नहीं, नो, ऑल द लिविंग बींग्स नॉट नीड द अदर काइंड ऑफ फूड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेम फाइव प्लांट एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। जस्ट लाइक रेडिश वी रूट्स रूट्स, कैरोट वी ईट रूट्स, अरे हाँ वी ईट रूट्स एंड पटैटो वी ईट स्टेम एंड बनाना एप्पल वी ईट फ्रूट एंड एंड मस्टर्ड वी ईट इज लीव्स एंड हिज सीड्स आर यूज एज मस्टर्ड ऑयल। चलिए अब हम लोग मैच द कॉलम देखते हैं। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मिल्क कर्ड पनीर घी। मिल्क कर्ड पनीर घी किससे बनता है? वो सब एनिमल प्रोडक्ट्स आर ऑल ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, वो सब एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं। स्पेनिश कॉलीफ्लावर, कैरेट आर वेजिटेबल्स, लायन टाइगर ईट अदर एनिमल्स, हर्बीवोरस ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। चलिए हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। टाइगर इज ए कार्निवोरस बिकॉज इट इज इट ओनली ईट मीट्स। जो टाइगर होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं क्योंकि वो बस मीट खाते हैं, ये रॉ मीट या मटन या फिर ऐसे ही चिकन, लेकिन वो लोग कभी ग्रास या हे नहीं खाते जैसे कि हर्बीवोरस खाते हैं। डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इट इज कॉल्ड, वेरी इजी, हर्बीवोरस। पैरट ईट ओनली प्लांट, सॉरी दोस्तों गलती से कॉल आ गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पैरट्स ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, जो पैरट होते हैं वो बस प्लांट प्रोडक्ट जैसे कि फ्रूट्स खाते हैं। द मिल्क द ब्लैंक दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ बफेलो एंड गुड्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। हम लोग जब मिल्क होते हैं, जब मिल्क होता है वो हम लोग पीते हैं जो कि गोट से आते हैं, काउ से आते हैं, बफेलो से आते हैं, जो जिस ऐसे मिल्क जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो उसका मिल्क होता है गोट एंड याक्स। वी ईट शुगर फ्रॉम शुगर केन, ऑब्वियस जो हम लोग शुगर पाते हैं वो हम लोग शुगर केन से पाते हैं। आपने तो कभी ना कभी तो शुगर केन चूसा ही होगा अगर आप गांव में रहते हैं तो। मैंने भी चूसा है।